जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनी अड्डा पर। और हम आपके लिए आज लेकर आए हैं शेयर मार्केट से जुड़े जरूरी सवाल और उसके जवाब। भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज में काम किया जाता है, पहला NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा आता है BSE जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। दोस्तों ये दोनों मार्केट अपने इंडिया में काम करते हैं, या कहा लो काम किया जाता है, दोनों एक ही बात है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म जिसे हम NSE भी कहते हैं। निफ्टी आपको दिख जाएगा, बैंक निफ्टी दिख जाएगा जो प्लस में चल रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी माइनस में हल्का सा प्लस माइनस चल रहा है। उसके नीचे रिलायंस की और सब इक्विटी की स्क्रिप्ट है, उसके नीचे आते हैं तो बैंक निफ्टी और निफ्टी है जिसे हम फ्यूचर मार्केट भी बोल सकते हैं या फ्यूचर ट्रेड करते हैं, जिसे जिसके अंदर कॉल पुट में काम किया जाता है। ये आपको निफ्टी का लो हाई सब दिख जाएगा, क्या रेट बंद था कल का, बेस्ट फाइव है। ऐसे ही आपको ऊपर जाएंगे तो बैंक निफ्टी का भी दिखेगा, हाई लो प्लस बंद क्या था, आज का क्या रेट चल रहा है लाइव, वो सब आपको दिखेगा। उसके नीचे आप देखेंगे तो ये कॉल पुट है, ये आपका कॉल है। वैसे ही आप देख लीजिए, ये ऊपर रिलायंस हो गया, रिलायंस का हाई लो कल का बंद आज का ओपन कितना वॉल्यूम हुआ है। ये नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा जिसे हम बैंक सेक्टर में काम करते हैं, उस वही इसका हाई लो आपको सब कुछ दिख जाएगा। वैसे ही सब में काम करने का तरीका अलग अलग है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं NSE के बारे में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, कि इक्विटी के अंदर कब एंट्री करनी चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, प्लस अपनी रिस्क को कैसे मैनेज करके चलना है कि कहीं पर भी पैसा कम आए चल जाए लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्रिक बताऊंगा कि किस हिसाब से अपन लॉस को कम से कम मैनेज करके चले। अभी आपको जो पिक्चर आगे दिख रहा है वो इक्विटी की स्क्रिप्ट है, ऊपर आपको रिलायंस भी दिखेगी, बैंक सेक्टर भी दिखेगा, उसके अंदर ऑटो सेक्टर दिखेगा और ऑयल सेक्टर भी है। सभी सेक्टर के अंदर आपको स्क्रिप्ट दिखेगी, सबका हाई लो भी दिख रहा है। और दोस्तों ये मार्केट इतना अच्छा है, आप इसको इंट्राडे में भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं। मोस्टली लोग कहते हैं कि शेयर बाजार लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है कि इंट्राडे के लिए भी अच्छा है, लेकिन उसका काम करने का तरीका अपने हिसाब से होना चाहिए। आगे आपको मैं वो भी दिखाऊंगा कि लाइव मार्केट में किस हिसाब से काम किया जा रहा है और लोग पैसे बना रहे हैं, उस हिसाब से अपन को रिस्क के साथ कैसे चलना है और कितना इन्वेस्टमेंट कब किस स्क्रिप्ट के अंदर कैसे करना है, वो भी आपको मैं आगे पूरा डिटेल में समझाऊंगा। और ये वीडियो जितने भी फ्रेश लोग हैं जो शेयर मार्केट में आना चाह रहे हैं उनके लिए मैंने बनाया, मोस्टली अपने पैसे को किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें उसका मैंने आपको आगे पूरा डिटेल में बताया। तो चलो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखते रहिए, और कुछ भी इसमें आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं पूरा डिटेल में आपको वापस बताऊंगा और आगे चलते रहेगा ये अलग है। दोस्तों कई लोगों के दिमाग में शेयर मार्केट के लिए अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं। किसी के लिए शेयर मार्केट किसी वरदान से कम नहीं, तो किसी के लिए एक तरह का जुआ है जो मार्केट में आने वाले अपने पैसों का पानी करके शेयर मार्केट से दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारा मानना है शेयर मार्केट भी दूसरे बाजारों की तरह एक मार्केट है। उदाहरण के लिए किसी होलसेल मार्केट से सस्ते में सामान लाकर अपना मार्जिन रखकर रिटेल में सेल कर देना, वैसे ही कंपनी के शेयर कम रेट में लेकर महंगे में सेल कर देना, फिर सवाल आता है शेयर मार्केट जोखिमों से भरा हुआ है। दोस्तों जोखिम सभी मार्केट में है, सभी को काम करने के साथ रिस्क मैनेज करके चलना पड़ता है। वैसे ही शेयर मार्केट में भी काम करने के साथ रिस्क मैनेज करके काम करना चाहिए। दोस्तों मनी अड्डा का उद्देश्य है कि मार्केट में सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए। अब सवाल आता है शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। चलो दोस्तों एग्जांपल के साथ कुछ सीखते हैं। लाख रुपए हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस एक लाख रुपए को चार या पांच भागों में डिवाइड कर दे। अगर चार भागों में एक लाख को डिवाइड करते हैं तो 25,000 के चार भाग होते हैं।
अलग अलग चार सेक्टर को सिलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो को बना लेना चाहिए, जैसे आईटी, फार्मा, ऑटो सेक्टर, स्टील सेक्टर, जो भी आपको अच्छा लगे उसको सिलेक्ट कर ले। फिर फार्मा सेक्टर की एक ग्रुप की 5 कंपनियों में 25,000 को डिवाइड कर 5 कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्ट करें। वैसे ही दूसरे सेक्टर में भी एक ग्रुप की कंपनियां सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप सोचेंगे इससे हमें क्या फ़ायदा। दोस्तों, सभी सेक्टर एक साथ लो या हाई कभी एक साथ नहीं बनाते। अगर आईटी सेक्टर के शेयर नीचे है तो फार्मा सेक्टर या कोई दूसरा सेक्टर के शेयरों में तेजी आपको हमेशा दिखाई देगी। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने या समझने को मिला हो तो एक शेयर और लाइक जरूर करें। चलो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे शेयर मार्केट की नई जानकारी के साथ। जय हिंद।